आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज सुबह शराब की अवैध खेप लेकर जा रही लोड पिकअप वाहन पलट गया है। सड़क के किनारे पलटे वाहन में सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, तो वहीं हादसे के दौरान ग्रामीणों ने सड़क पर पड़ी शराब की खेप पर लूटपाट मचा दी। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन सहित बची हुई शराब की खेप को जब्त कर लिया है। घटना सुबह चुराटा थाना क्षेत्र के मैदानी की बताई जा रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मैदानी के समीप शराब की अवैध खेप से लोड पिकअप वाहन पलट गया था। हादसे में मृतक की पहचान सीधी जिला निवासी के रूप में की गई है। माना जा रहा है कि यह खेप सीधी से रीवा लाई जा रही थी। इधर पिकअप वाहन में तकरीबन 150 पेटी शराब लोड होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ग्रामीणों की लूटपाट के बाद मौके से महज 70 से 80 पेटी ही शराब पुलिस के हाथ लगी है। फिलहाल पुलिस हादसे के बाद यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शराब की यह खेप किसके द्वारा और कहां लाई जा रही थी।